व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो भाई? स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट की इस प्यारी सी सीरीज के अंदर। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हो भाई, कई दिनों से भाई मैं फॉर्म पे फॉर्म बनाया जा रहा, और ये फॉर्म तो भाई क्या खतरनाक चल रहा है यार। देख रहे हो मतलब स्टॉक स्टॉक फुल हुए जा रहे हैं, मतलब टेस्ट आता ना एक स्वाद वही आ रहा, मजाक नहीं कर रहे। और जैसा कि ये देख रहे हो भाई गोलम फॉर्म, तो भाई तो पूरा का पूरा हमको लगता है इसे 5-6 चेस्ट रखनी पड़ेगी। अगर 5 मिनट में चला दिया तो जो 1 मिनट भी नहीं चलाता यार, लेकिन स्टॉक स्टॉक कुल हो जाते हैं। कोई बात नहीं, जैसा कि आप भाई देख रहे हो मस्त तरीके से वाला अपना सब सारा का सारा काम हो रहा है। तो भाई आज मैं कुछ खतरनाक करने जा रहे हैं, और जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर काफ़ी जगह खाली है। तो भाई हम सोच रहे स्टोन फॉर्म बना लें, क्योंकि स्टोन का तो काम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो भाई अब बना लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहले अपनी भाई एफिशिएंसी 5 की पिकैक्स उठाते हैं भाई, फुल स्पीड में यहाँ पे तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि देख रहे हो जितनी भी डर भाई कितनी स्पीड चल रही है, देख रहे हो मतलब एक बार भाई केवल टच करने की दे रहा है भाई, ब्लॉक पे ब्लॉक जैसे लगता है भाई हलवा टूट रहे हैं, मतलब मज़ा ही आ जा रहा है यार। जैसा कि आप देख रहे हो भाई जितना भी यहाँ पे गड्ढे फालतू में और उसको ढकते भी जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी ये दो ब्लॉक छूट गए थे, इसको भी तोड़ लेते हैं। तो भाई यहाँ भी हो गया, उसके बाद ये इसको भी फुल कर दिया यार। ये देख रहे हो मतलब सारी काम बहुत स्पीड से हो रहा है। और भाई ये जो नीचे ढलान है इसको मेरे को सारा का सारा फिल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इसको पूरा का पूरा फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा लग रहा है अपने फिर ग्राउंड। भाई सही बता रहे, बहुत ज़्यादा भी काम करना है क्योंकि पूरा ग्राउंड मेरे को सही करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख लो भाई मस्त तरीके से ग्राउंड पूरा का पूरा क्लियर कर चुका हूँ मैं। उसके बाद ये जो फालतू के टूट गए थे, अरे यार इसको तोड़ने चक्कर पीछे एक और टूट गया। कोई नहीं, एक एक ब्लॉक जो छूट गए थे जल्दी जल्दी करने के चक्कर में उसको भी सही कर लेते हैं। उसके बाद इसको भी फिल कर लो, उसके बाद दो और बचे हैं इसको भी फिल कर लेते हैं, उसके बाद इसको भी फिल कर लिया। फिलहाल जैसे ये देख लो भाई यहाँ भी मेरे को पूरा का पूरा भाई सही करना पड़ेगा। कोई बात नहीं भाई, अपनी पिकअप किस दिन काम आएगी, मस्त तरीके से काम करते हैं। उसके बाद जैसा कि देख लो भाई थोड़ी देर में पूरा का पूरा ग्राउंड अपना क्लियर हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे हो भाई खतरनाक तरीके से मतलब अच्छा खासा काम हुआ यार, मतलब काफ़ी टाइम तक यहाँ पे लगना पड़ा, लेकिन हाँ ग्राउंड पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब जाके लग रहा है हाँ भाई कुछ है अपनी यहाँ पे। तो कोई बात नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हो मस्त तरीके से काम अपना चल रहा है। तो भाई देखो अब भाई अपना जो थोड़ा बहुत इधर गड्ढा वड्ढा हुआ था इसको भी पूरा फिल कर लेता है, क्योंकि भाई पूरी प्लेन जगह चाहिए यार, एक भी परसेंट कुछ चाहिए नहीं प्रॉब्लम। तो ये भी फिल हो गया अपना मस्त तरीके से। उसके बाद अब भाई अब जो अगला काम है अपना बनाने का वो कंप्लीट करते हैं। भाई जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे अपना काम तो हो चुका है। उसके बाद मेरे को एक सेंटर ढूंढ के इस साइड से भाई टोटल 12 ब्लॉक लेके जाना है, क्योंकि अगर मैं पिस्टन लगाता हूँ तो वो पिस्टन 12 ब्लॉक तक किसी ब्लॉक को धक्का दे सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को टोटल गिनते हुए पूरा 12 ब्लॉक तो जाना है। तो भाई यहाँ पे होता है 12 ब्लॉक, उसके बाद भाई एक ब्लॉक छोड़ के मेरे को 12 फिर लेके जाना इस साइड। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 भाई ये हो गया 12। एक बीच में जो छोटा था उसको लेके टोटल 12 ब्लॉक। जैसा कि आप देख लो यहाँ भी थोड़ा मैं एक निशान टाइप का लगा लूँ तो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है। ऐसे सेम इस साइड लेके जाते हैं और भाई चारों तरफ से ऐसी बन जाता है। जैसा कि आप भाई देख रहे हो काफ़ी टाइम हो गया करते करते। और भाई यहाँ पे ये क्रीपर भाई दो क्रीपर भाई आ जाओ भाई आ जाओ, रुक रुक जो यहाँ पे भाई को बहुत गंदा मारने वालों को देख रहा हूँ मैं, मस्त तरीके से मार दिया। इंटरमैन से भी पंगा नहीं लेने वाले क्योंकि इंटरमैन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर देगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सबसे पहले चल के भाई दिन करते हैं, उसके बाद आगे काम कंप्लीट करते हैं। तो भाई जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे भाई अपना मस्त तरीके से सो चुके हैं, उसके बाद भाई हो चुका है दिन। अब भाई मेरे को यहाँ पे थोड़ा बहुत भाई स्टोन लेने हैं, और काफ़ी बहुत ज़्यादा स्टोन लेने हैं क्योंकि काफ़ी काम लगने वाला है स्टोन का। उसके बाद भाई इसको सबसे पहले अपनी इन्वेंट्री सही से रख लेते हैं, उसके बाद भाई आगे का काम शुरू करते हैं। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे को एक पिलर टाइप का खड़ा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को अपनी ये बेस बनानी पड़ेगी। कोई नहीं, इसको भी लेके चलते हैं। उसके बाद दो दो का लेके चलेंगे जिससे कि भाई थोड़ी दीवार अपनी मोटी दिखे, नहीं तो भाई सिंगल लेयर रहेगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो जैसे देख रहे हो भाई ये वाला काफ़ी हाइट तक चला गया है, ऐसे मेरे को चारों के चारों कोने पर करना है। सबसे पहले यहाँ पे कर लिया, अब इसके जस्ट सामने वाले पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भाई यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद भाई मेरे को इस साइड में रखना है और एक साइड इस साइड रखना है। तो भाई उस वाले में थोड़ा क्यों, क्योंकि मैं जो मेरा पिलर और बीचों बीच नहीं है तो मेरे को उसको थोड़ा सही करना पड़ेगा। कोई नहीं, उसको कर लेंगे, दिक्कत नहीं उसमें। तो भाई सबसे पहले मेरे यार मैं नीचे कहाँ से आ गया, पहले ब्लॉक तोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ऊपर आ चुके हैं। उसके बाद मेरे को सबसे पहले यहाँ पे ये वाला डट कलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसको पूरी तरह से फिल करते हैं और भाई मस्त तरीके से भाई ऊपर चलना शुरू करते हैं। तो भाई जैसा देख रहे हो भाई मस्त तरीके से बनाते बनाते काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे शायद ये ब्लॉक उतना बहुत हो गया भाई, काफ़ी हाई तक आ चुका है। उसके बाद आगे चलते हैं, ऐसे मेरे को चारों कोने बनाने हैं। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो मस्त तरीके से चारों कोने बन चुके हैं। अब भाई मेरे को ये चीज़ देखना ना कि जो मेरे पिलर हैं ये भाई सेम बराबर है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं एक काम करूँगा ना, सबको एक साइड से मैं डट से जोड़ता हुआ चला जाऊँगा। तो इससे क्या होगा कि भाई ये मेरे को एक अंदाज़ा हो जाएगा कि सारे प्लेयर एक साइड के अंदर। जैसे ये देखो ये वाला छोटा था, वैसे सबसे पहले इसको मैं
कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे हुआ, उसके बाद यहाँ पे लगाया, तो ये देखो भाई अब मेरा मतलब अब मेरे चारों प्लेयर एक बराबर हो चुके। तो भाई यहाँ पे एक डर्ट लग, ये स्टोन लग गया, तो इसको हटा लेते हैं, यहाँ पर डर्ट लग गया, कोई नहीं। तो भाई जैसे देख रहे हो जब मिडिल पॉइंट है यहाँ पे बनेगा अपना ड्यूपर, टीएनटी ड्यूपर बनेगा। तो अभी फिलहाल तो उसको छोड़ते हैं, अभी मेरे को थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर जाना है, तो ये जो फालतू वाला कमान था इसको छोड़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे तोड़ते हुए नीचे चलते हैं। तो ऐसे देख रहे हो भाई यहाँ पे ये वाला फालतू में लग गया था, तो इसको हटा देते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी इसको भी तोड़ दिया, अब मेरे को भाई यहाँ पे थोड़ा सा ना इस मतलब कलेक्टर जगह पे बनाना पड़ेगा, कि कहाँ पे जो मेरा सारा जो स्टोन टूटेगा वो गिरेगा कहाँ पे। तो उसके लिए मेरे को एक जगह बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले क्या काम लगेगा, तो मेरे को शायद लेके आना पड़ेगा यार, मैं क्या बताऊँ, मतलब कोई ना चलते हैं भाई घर से लेकर आते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो भाई जैसा कि देख रहे हो भाई मस्त तरीके से मैं घर पहुंच चुका हूँ, उसके बाद भाई मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे मेरा सारा सामान पड़ा है। तो भाई यहाँ पे शायद लावा वो काफ़ी लेकर रखा था मैं, और पिस्टन उस्टन चाहिए जो भी चाहिए भाई यहाँ से उठा लेंगे। फिलहाल जैसा कि देख रहे हो भाई मस्त तरीके से यहाँ पे भाई थोड़ा बहुत लावा यहाँ पे मिल गया, उसके बाद यहाँ से भी थोड़ा बहुत मिला। और भाई क्या यार मतलब मिल नहीं रहा ढंग से यार, मतलब क्या होता। चलो एक दो लावा यहाँ पे भी है, इसको उठा लेते हैं, तीन को तीनों उठा लिया। उसके बाद यहाँ पे टीएनटी भी है, टीएनटी उठाया क्योंकि ड्यूपर बनाने में टीएनटी का यूज़ होगा। उसके बाद भाई ये रहा भाई मेन चीज़, ये रहा भाई आइस बकेट, क्योंकि भाई इसका बहुत ज़्यादा काम लगने वाला है। फिलहाल अभी आपको आगे दिखाते हैं कि ये जो पैक्ड आइस है, आइस भाई ब्लॉक है, ये सब किस चीज़ में काम आएगा अभी आपको मैं लास्ट में बताता हूँ। भाई लिटरली बता रहे हैं भाई आपके पास अगर ये है ना तो भाई समझ लो बहुत बढ़िया काम है भाई, सच्ची बता रहे हैं। कोई नहीं आगे चलते हैं भाई, अपनी जगह पे आ गए। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि किस लिए मैं इसको भाई लेकर आया। तो जब आपने देखो बाकी पैक तो आई तो ठीक बता, लेकिन आइस को जब तोड़ेंगे तो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो भाई इसका मतलब समझे भाई, ऊपर जब हम बनाएंगे ना तो उसके लिए मेरे को बार बार बाल्टी लेके जानी नहीं पड़ेगी, मतलब बकेट लेके नहीं जानी पड़ेगी। यही मेरे पास जो 60 इतने पूरा का पूरा अपना बन जाएगा ये, तो भाई थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा वो चीज़। तो फिलहाल सबसे पहले मेरे को कलेक्टर की जगह बनानी है, तो उसको बनाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कैसे लगने वाला है। तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे ज़्यादा बिल्डिंग ब्लॉक का यूज़ करने वाला हूँ, तो भाई यहाँ पे ये ज़्यादा सही रहेगा भाई यहाँ पे बनाया। मेरे को एक स्ट्रक्चर बनाना है कि मेरा जो यहाँ पे सारा का सारा कलेक्टर की जगह होगी वो कैसे कैसे बन रहेगी। तो जैसा कि देख रहे हो भाई यहाँ पे मेरे को पूरा का पूरा भाई डर्ट लगाते हुए आगे चलना, भाई डर्ट ही खत्म होगी, वो डर्ट खत्म नहीं होगी क्योंकि भाई यहाँ पूरी जगह तो भाई डर्ट की थी, सारा तोड़ डाला मैं। तो भाई जैसा कि देखो ये मस्त तरीके से पूरा का पूरा जगह हो चुका है। अब भाई मेरे को बीच में पूरा का पूरा स्टोन भरना है, तो भाई स्टोन मेरे पास बहुत सारा है भाई, जो कि मैं ऑफ वीडियो बना के लेकर भी आया था और भाई था भी, कोई नहीं चलते ले लेते हैं सारा का सारा। जैसा कि भाई देख रहे हो भाई ये देखो भाई क्या अपना डिज़ाइन लग रहा है भाई, मस्त लग रहा है। अभी जब बन जाएगा पूरी तरह, जब इसको सजाएंगे अच्छे से तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिलहाल जैसा कि भाई देख रहे हो यहाँ पे नहीं है सारी, ये रहा भाई स्टोन ही स्टोन है, तो सारा का सारा मैं यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ। तो भाई लावा की बकेट अभी यहीं फेंको, अभी इसका कोई काम नहीं, फेंकना नहीं, वैसे बहुत काम लगने वाला है, फिलहाल अभी कोई काम नहीं, तो अभी छोड़ो इसको। तो भाई आगे चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कितना मस्त काम होगा। सबसे पहले मेरे को ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ टाइप की बनानी पड़ेगी, कोई बात नहीं रुको यार मेरे को सही बनाना पड़ेगा, कोई नहीं एक ऊपर और रखना पड़ेगा एक नीचे, बहुत बढ़िया हो गया भाई। जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे सारा काम हो चुका है, उसके बाद भाई मेरे को जस्ट नीचे यहाँ पे लगाते हुए चलना है ऐसे ब्लॉक को। यार मैं रैंडमली लग जाते मैं क्या बताऊँ, ये देखो फिर गलत हुआ भाई, यही होता है मतलब कोई नहीं वही कोई बात नहीं, इसको तोड़ लेंगे और क्या भाई। ये देखो अपनी पिकेक्स कितनी खतरनाक है भाई, सल्टच की पिकेक्स भाई, इसीलिए मैं भाई ना आयरन को छोड़ के डायमंड का बनाया था क्योंकि मेरे को पता था भाई सही रहेगा। तो भाई जैसा कि देख रहे हो फिलहाल मैं यहाँ पे काम कर रहा था, तो मेरे को लगा यहाँ पे देखो सारे के सारे प्लेजर आ गए, तो भाई प्लेजर की बॉस को मारूंगा। ये तेरी भाई अपने ऊपर रेड आ चुकी है, तो फिलहाल रेड कहाँ पे मेरे को बिल्कुल नहीं पता। तो भाई जैसे पहले इनको सारा निपटाते हैं, उनके बाद भाई अच्छी अच्छी लूट भी मिल जाती है, इमरल्ड मिल जाता है, कोई नहीं। जैसा कि देख रहे हो एक और बचे, इनको भी एक दिया, एक बच्चे एक और लगनी चाहिए, बस एक लग जाए भाई खत्म। भाई मैं शांति से यहाँ पे काम कर रहा था, भाई यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। फिलहाल तो भाई सबसे पहले अपना यहाँ पे जो मेरा काम है उसको कंप्लीट होगा, तभी मैं नीचे उतरने वाला हूँ। उनको ये खा जा तो भाई खत्म, एक भाई बस बस एक और, कोई नहीं। जैसा भाई देख रहे हो यहाँ पे अपना सारा का सारा काम ऐसा हो रहा है, तो भाई इसको मैं कंप्लीट कर लूँगा, तब जाके पहले नीचे वाले को निपटाएंगे, अभी फिलहाल रहने दो उनको घूमने दो अच्छे से। तो भाई जैसा कि देख रहे हो मस्त तरीके से यहाँ पे मैं लगा चुका हूँ, उसके बाद मेरे को ये वाला तोड़ना पड़ेगा। रुको पे सिल्टस की पिकअप से खतरनाक टाइप की, उसका तोड़ेंगे तो मिल गई। उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं, उसके बाद यहाँ भी लग गया। तो भाई यहाँ पे मेरे को इस टाइप से बनाना पड़ेगा, तो एक और ये चीज़ ऐसे ऐसे बनाने पर भाई अभी दिखाते हैं आपको इससे जादू कैसा लगेगा। तो भाई खत्म हो गया यार अपने पास, कोई बात नहीं, अब मेरे को नीचे जाना ही पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले ये यहाँ पे गलत लग गया, कोई नहीं इसको यहाँ पे लगाते हैं। अब भाई नीचे चल के सबसे पहले उसको निपटाते हैं, तो कोई नहीं एक आगे नीचे, उसके बाद ये रहा ये रहा। रुक जरूर कहाँ रहे भाई, आ जाओ खा गया भाई खत्म, एक पल लगा एक खत्म भाई, और कुछ चाहिए ही नहीं इनको। तो भाई यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या मिला, शॉर्ट मिली और इससे ज़्यादा कुछ मिला नहीं, बस मेरे को वो मिल गया क्या बैनर मिल गया इनका, जो पिलेजर का जो बॉस का बैनर होता है वो मिल चुका है, उसको घर पर लगाएंगे मस्त तरीके से।
फिलहाल तो भाई स्केली पता नहीं क्या कर रहा है, इसको गिरा दिया अच्छे से मार के। उसके बाद भाई आगे चलते हैं, भाई सबसे पहले दिन करते हैं। तो ऐसा कि देखो भाई सो गए, अच्छी खासी नींद में आ चुके हैं भाई, अब बस सुबह होने का वेट है। तो भाई फिलहाल सुबह भी हो चुकी है तुरंत। और भाई ये लोग इनको देखो भाई, मतलब इनको रहा नहीं जा रहा। रुको सबसे पहले अपना सामान निकाल लेते हैं। तो ये देखो भाई इनको रहा नहीं जा रहा, रुक जो बताते हैं भाई। ख़त्म, कोई नहीं भाई, एक शॉट के थे, कोई बात नहीं यहाँ पे। तो भाई जैसा कि देख रहे हो भाई, यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरे को जगह छोड़नी थी तो जगह छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे बकेट में उठा चुका हूँ फिलहाल। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को फिर से बनाते हुए चलना ऊपर। तो भाई वहाँ पे मेरे को ग्लास की कमी आ चुकी थी, तो मैं जाके ग्लास लेकर आया हूँ फिलहाल। उसके बाद यहाँ पे जो उतना भी बचा है वहाँ पे सारा का सारा मैं ग्लास फिल करता हूँ। तो एक यहाँ लगना था और तीन यहाँ लगने हैं, एक यहाँ पे। बहुत बढ़िया हो गया अपना काम। ये ब्लॉक यहाँ बीच में क्या कर रहा है यार, कोई नहीं, ये वाला काम तो अपना संपूर्ण तरीके से हो गया। तो भाई मैं सोच रहा पैक्ड आइस लगाऊं, लेकिन यहाँ पे आइस लगाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो मैं भाई नॉर्मली पानी लेकर आ सकता हूँ। तो भाई यहाँ पे अपना आइस को वेस्ट करने का मेरे को कुछ भाई लॉजिक लग नहीं रहा फिलहाल। भाई इसको यहाँ पे मैं वेस्ट नहीं करने वाला, तो सबसे पहले मेरे को अपना सारा कुछ भाई बैड खाली करो, जिससे कि भाई सारा का सारा अपना आ सके। तो भाई यहाँ पे अपना बैनर हाथ में है, तो भाई सबसे पहले इसको रख लेते हैं यहीं पे। और भाई यहाँ पे अपना सोभा इसकी बहुत तगड़ी लगेगी। तो भाई आगे चलते हैं, उसके बाद सबसे पहले भाई यहाँ पे अपना पानी लेकर आते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे भाई आ चुके हैं। भाई ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, भाई रेड कहाँ लग गया यार। भाई अपने विलेज से मैं बहुत दूर हूँ यार, लेकिन रेड कहाँ लगा। अच्छा भाई हो सकता है भाई जो ऊपर मेरा जो यहाँ पे मैं आयरन फॉर्म बना रहा हूँ उसकी वजह से नहीं पड़ गई भाई, वहाँ अपने घर विलेज साइड में नहीं गया, और ऊपर एक विलेज ही है समझ लो। मतलब अगर ऊपर मैं आयरन फॉर्म जो बनाया एक टाइप के विलेज है, तो हो सकता है भाई विलेज उसकी वजह से लग गया। तो कोई नहीं फिलहाल, तो भाई यहाँ पे रख लेते हैं पानी। और भाई देखो अभी जो मेन अपने विलेज के पास हूँ, तो यहाँ पे भाई अपना रेड का साइन नहीं आ रहा, और रेड का साइन बस वहीं आ रहा है। इसका मतलब भाई रेड वहीं पर पड़ी है। देखो यहाँ पर आया मैं, तुरंत रेड पड़ गई। कोई बात नहीं, रेड वालों से भी बाद में निपटेंगे हम फिलहाल। तो भाई अपनी वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि भोपू तो बच रहा है, लेकिन ये मेरे को लिटरली बता रहे हैं 1% लॉजिक नहीं लग रहा कि किधर से आएंगे किधर से नहीं। तो छोड़ते हैं इनको, इनसे हम बाद में निपट लेंगे, फिलहाल तो आगे चलते हैं। तो भाई ये रेड का मेरे को झमेला कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो भाई इसको बाद में देखते हैं, फिलहाल अपनी वीडियो पे देखते हैं हम ध्यान देते हैं। तो ये देखो रेड फिर गायब हो गई। फिर कोई नहीं, अभी इसको जाके हम निपटा के आएंगे, ज़्यादा परेशान किए तो भाई पक्का इसको निपटा के ही आने वाले हैं। तो कोई नहीं, मेरे को थोड़ा बहुत ऊपर जाना है, तो ऊपर भाई आ चुके हैं। उसके बाद मेरे को सबसे पहले यहाँ पे अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाना है, तो यहाँ पे मेरे को ऊपर चढ़ना है, वहाँ पे सस्त तरीके से ब्लॉक लगाना है। तो भाई यहाँ एक लगाया, उसके बाद यहाँ पे मेरे को लगा देना अच्छे से, यहाँ पे लगा। अब भाई इसको पूरी तरह से मुझे पैक कर लेना है। तो एक यहाँ पैक हुआ, उसके बाद एक यहाँ पैक हुआ, एक इधर से लगाना है, उसका देख इधर, उसके बाद मेरे को इस साइड से भी पूरा फिल कर देना। ये देखो बन चुका है। अब भाई इसके अंदर मेरे को दोनों किनारे से डाल देना पानी, और भाई मस्त तरीके अपना बाल्टी वाटर सोर्स बन चुका है। अब भाई यहाँ पे एक बाल्टी डालनी है सारे कोनों पे, जो भी कोनों बढ़ाए, तो कोने के ऊपर बाल्टी डालने का भी आपको फायदा दिखाते हैं। तो एक यहाँ पे बाल्टी खत्म हो चुकी थी, एक यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद एक पानी भरा और पानी डाल दिया एक यहाँ पे। अब भाई इससे क्या होगा ना भाई, अगर मैं चारों तरफ से पूरे के पूरे पे पानी भर दूंगा ना भाई, तो क्या ये अनलिमिटेड वाटर सोर्स नहीं बनेगा। वैसे क्या होता अगर वैसे मैं डालता ना, तो भाई अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन जाता जो कि ख़राब होता। जैसे कि अब देख रो भाई, अगर ये देखो सारा का सारा बीच में आ रहा था, मेरे को बीच में तोड़ के यहाँ पे हॉपर लगा देंगे, तो सारा सारा जितना भी मटेरियल है यहाँ भी आकर कलेक्ट हो जाएगा। तो भाई अपने लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, तो मेरे को यहाँ भी तोड़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, यहाँ तोड़ते हैं, और भाई यहीं से नीचे चलते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा। तो भाई जैसा कि देख रहे हो यहाँ से भाई निजी आ चुके हैं अच्छे से, और भाई यहाँ पर सबसे पहले एक मैं कवर टाइप का बनाता हूँ, जिससे कि इस आराम से दिखे, तो कम से कम अपना कम कलेक्टर की जगह कहाँ पे है। तो भाई यहाँ पे भी आ चुके हैं, उसके बाद मेरे को इस साइड आना है, तो यहाँ पे भी मैं लगा दिया। तो भाई ये सबसे पहले ढक दिया, बहुत मस्त तरीके से यहाँ पे काम हो चुका अपना। उसके बाद भाई आगे चलते हैं, यहाँ पे मेरे को लगाना है भाई हॉपर, तो हॉपर लाने के लिए मेरे को चलना पड़ेगा अपने भाई चेस्ट के पास, वहाँ के भाई हॉपर लाएंगे, उसके बाद यहाँ पे पूरा फिल कर देंगे। तो भाई हॉपर की भाई कमी ही नहीं है अपने पास, भाई देख रहे हो हॉपर हॉपर बड़े पड़े हैं। कोई नहीं, चलते हैं लगाते हैं यहाँ पे। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो मस्त तरीके से मैं इधर आ चुका हूँ। उसके बाद मेरे को यहाँ सबसे पहले एक ब्लॉक भी क्लेस करना पड़ेगा, जिसके जरिए सबसे पहले मैं हॉपर लगाना के बाइक तो स्टार्टिंग काम वो ख़त्म कर सकूँ। तो वैसे सबसे पहले यहाँ पे मेरे को एक हॉपर इस साइड लगाना पड़ेगा। तो कोई नहीं, यहाँ पे एक लगा देते हैं, नीचे लग गया। अब मेरे को ये जो यहाँ दिख रहा ना, यहाँ से लगाते हुए चलना, तो एक इधर लगा। अब मेरे को इसे सेम इधर लगाना है, तो रुको मेरे को यहाँ पे सही रखना पड़ेगा। तो कोई नहीं, यहाँ पे लग चुका है। अब भाई क्राउच करके भी रखना भैया, क्या है इधर उधर भाग रहा है। कोई नहीं, क्राउच करके इधर लग चुका है एक, इधर मेरे को इधर के सबसे पहले ब्लॉक पर लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही लगे। कोई नहीं, ब्लॉक पर लग चुका है। उसके बाद दोनों साइड से भाई ये किधर लगा। अब भाई इस वाले ब्लॉक को मेरे को तोड़ना है, तो सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं, उसके बाद भाई बताते हैं आपको। भाई ये गलत टूट गया, यहाँ पे नहीं तोड़ना। तो फिलहाल तो ये ऊपर तोड़ा, तो भाई पानी ऊपर आ गया। तो मेरे को यहाँ पे अगर लगाना है हॉपर, तो मेरे को ऊपर से लगाना पड़ेगा। तो चलते हैं ना ऊपर, ऊपर से लगा के आते हैं, ज़्यादा सही रहेगा।
तो भाई जैसा कि देख रहे हो भाई मस्त तरीके से मैं आ चुका हूँ। तो भाई ये सीढ़ियाँ यार मतलब अच्छी खासी मैं सीढ़ी बना रहा, लेकिन हर बार प्रॉब्लम हो रही थी, कोई नहीं यहाँ पे आ चुका हूँ। ये देखो भाई अभी भी भाई यहाँ नहीं लगाना था, मैं कुछ भी कर लेता हूँ, कोई नहीं यहाँ पे लग चुकी सीढ़ी। अब भाई मेरे को बस एक यहाँ पे जगह प्लेस करना पड़ेगा, तो कोई नहीं यहाँ पे आए पैक्ड आइस रख दिया मैं, उसके बाद यहाँ से सीधा का सीधा मेरे को क्रॉस करके प्लेस कर देना है। ये देखो भाई अपना ये वाला काम मस्त तरीके से हो चुका है, तो भाई ये भी कलेक्ट हो गया। अब भाई यहाँ से सीधा मारते हैं जंप, क्योंकि अपनी कलेक्टर की सारी जगह कम्प्लीटली तरीके से हो चुकी है। तो भाई जैसा कि देख रहे हो भाई ये वाला काम अपना मस्त तरीके से हो गया, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना। तो भाई ये देखो यार मतलब इनको हम क्या बताएं यार, मतलब कमी ही नहीं है, पता नहीं क्या करते रहते हैं। तो कोई बात नहीं, इनको छोड़ो, अब इनको इग्नोर करते हैं। तो भाई रेड जो ख़त्म हुई थी भाई, रेड में जीत कर आ चुका हूँ, क्योंकि भाई मेरे का दिमाग ख़राब करके रखा था इतना ज़्यादा भाई साउंड कर रहे थे भोपू का, तो मैं बजा नहीं सकता। तो भाई गया सबको बजा के चले अच्छे से। तो जैसा कि आप देख रहे हो भाई सबसे पहले यहाँ पर तोड़ते हैं इसको, उसके बाद भाई यहाँ पे सबसे पहले ग्लास प्लेस करो यार, ये सही नहीं लग रहा। तो भाई जितनी डर्ट है डर्ट को हटाते हैं, उसके बाद भाई अब मेरे को जो बनाना है यहाँ पे, जिससे अपना कॉबल स्टोन जनरेट होगा, तो कॉबल स्टोन जनरेटर बनाना पड़ेगा, वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक। तो उसके लिए मेरे को इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, जो भाई अपना ये काम बहुत अच्छे से करेगा। तो सबसे पहले आप ये यहाँ पे आ चुके हैं, अब यहाँ से भाई मेरे को रिप्लेस करते हुए चलना है अपना जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो सबसे पहले टेम्परेरी ब्लॉक ही लगाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक लगाने कोई मतलब है नहीं फिलहाल यहाँ पे। तो जैसा कि भाई देख रहे हो यहाँ पे मस्त तरीके से मैं इधर आ चुका हूँ, उसके बाद भाई अब यहाँ पे भाई बिल्डिंग ब्लॉक लगाना है मेरे को, एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे भाई अपना सारा का सारा सामान रखा जाएगा। तो भाई ये यहाँ पे इसको फिल कर लेते हैं, उसके बाद एक यहाँ पे भी इसको लगाते हैं, उसके बाद इसको भी मस्त तरीके से फिल करें, ये गलत लग गया है इसको छोड़ो। तो भाई इसको भी यहाँ पे मस्त तरीके से फिल करते हैं, उसके बाद भाई एक यहाँ भी लगाते हैं। तो भाई इसे फिलहाल मेरे को भी काफ़ी लंबा इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भाई दो दो भाई लेन बनने वाली है, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा बहुत जगह चाहिए। तो कोई नहीं यहाँ पे पूरा मस्त तरीके से लगाना देते हैं अच्छे से। तो जैसा कि देख रहे हो भाई एक लेयर मैं इधर भी बना दिया, जिससे कि भाई थोड़ी बहुत अपनी पास स्पेस और हो जाए, कि जिससे कि एक बार में ज़्यादा आप कॉबल स्टोन जनरेट हो सके। तो भाई मेरे को दो बार यहाँ भी बढ़ानी पड़ेगी, तो एक बढ़ा लिया और एक इधर ही बढ़ गई। तो भाई जैसा कि देख रहे हो मस्त तरीके से काम अपना चल रहा। तो भाई सबसे पहले इसको भी कवर कर लेते हैं, जिससे कि सारा का सारा आ सके। तो भाई जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे वाला काम हो गया। तो भाई सबसे पहले मैं पैक डाइस रख लिया, अब भाई यहाँ से पैक डाइस ना होती ना, मेरे को यहाँ सारा का सारा पानी रखना पड़ता। तो भाई यही चीज़ सबसे अच्छी हुई जो पैक डाइस में है, तो भाई यहाँ पर रख दिया। उसके बाद मेरे को एक ब्लॉक और बढ़ाना पड़ेगा, कोई नहीं भाई काम करते करते काफ़ी रात हो चुकी है, कोई बात नहीं है। तो भाई इसको भी मेरे को फिल करना है, तो कोई नहीं यहाँ पे मस्त तरीके से फिल हो चुका है। तो भाई पैक डाइस देख रो गल गई, उसके बाद यहाँ से पानी आ गया, उसको सबसे पहले इसको भी तोड़ना पड़ेगा। यार दोनों टूट गई, मतलब कितनी ज़्यादा खतरनाक है। तो कोई नहीं शॉर्ट से इसको भी हमने तोड़ देते हैं, यहाँ भी तोड़ दिया, यहाँ भी तोड़ दिया, उसके बाद इसको भी तोड़ दिया, लास्ट बचा था इसको तोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो सारा काम हो चुका, तो बस मेरे को यहाँ पे भाई डालना, देखो ये कॉबल स्टोन जनरेट हुआ, यहाँ भी जनरेट हुआ, उसके बाद लास्ट में नहीं हुआ, रुको यहाँ लास्ट में मेरे को डालना पड़ेगा अलग से अलावा। तो एक यहाँ पे डाल दिया, तो भाई यहाँ पे जनरेट हुआ, रुको मेरे को ये वाला तोड़ना पड़ेगा, तोड़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं इतनी। तो भाई सबसे पहले मैं अपनी पिकअक्स से इसको तोड़ते हैं, उसके बाद इधर तोड़ते हैं, भाई टूट गया। ये देखो अपनी एक सीरियल लाइन बन गई, तो कोई नहीं, तो यहाँ पे भी टूट चुका, उसके बाद मेरे को यहाँ भी डाल दिया, तो ये बन के जनरेट हो गया यहाँ पे। तो इसको भी तोड़ देते हैं और एक इधर भी तोड़ देते हैं। तो ये देखो भाई सारा का सारा अपना काम हो चुका है यहाँ पे। तो भाई सबसे पहले इसको कवर करते हैं, भाई सच बता रहे मेरी हालत ख़राब हो रही यहाँ पे, पूरा लावा को पेन है। तो भाई सबसे पहले ये देख रहे हो भाई, तो भाई ये वाला काम हो चुका है, सबसे पहले इसको कवर कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि मेरे को ज़्यादा सही लगेगा ये चीज़। तो यहाँ पे भी मेरे को डर्ट लगा देते हैं, उसके बाद नीचे चल के मेरे को जान लगाना पड़ेगा, पिस्टन लाना पड़ेगा, रिपीटर लाने पड़ेंगे, सब लाने पड़ेंगे। तो भाई सबसे पहले चल के लेकर आते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई जैसा कि देख रहे हो भाई नीचे गया था मैं, सब कुछ लेकर आया, तो फिलहाल मेरे को अब यहाँ को पिस्टन लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये एक मैं लाइन ऊपर बढ़ा दिया, मेरे को जो नीचे वाले कॉबल स्टोन जितने ब्रिक्स हैं सारे के साथ तोड़ने पड़ेंगे, कोई बात नहीं इसको तोड़ लेते हैं। भाई ये नहीं तोड़ना था, ये गलत टूट गया, कोई नहीं यहाँ पे इसको तोड़ते हैं, और इसे सारे के सारे मेरे को तोड़ते हुए चल दें। और भाई नीचे से लगाएंगे पिस्टन तो बस तरीके से लग जाएगा, रुको ये वाला तोड़ दो यार, इसको भी तोड़ते हैं, उसके बाद ये भी तोड़ते हैं। अब यहाँ पर मेरे को पिस्टन लगाते हुए चलना है, एक इधर भी लग गया, देखो ये वाला सारा काम इधर हो चुका है। अब इसे सेम मेरे को उस साइड भी ना, तो चलते चलते पहले उसको भी निपटाते हैं। तो भाई जैसा कि देख रहे हो भाई ये इधर भी आ चुके हैं, उसके बाद मेरे को ये किधर लगाना, उसके बाद इधर भी। तो भाई ये देखो यहाँ पे लग चुका है। अब भाई मेरे को ना यहाँ से रुक जाओ, गलती हो गई ये चीज़, इसको मेरे को पूरा फैलाना है यार, मैं गलत ध्यान नहीं दिया उस पर, कोई नहीं इसको भी बढ़ा दिया। अब मेरे को बस पिस्टन लगाते हुए चले जाना है एकदम मस्त तरीके से। तो भाई ये वाला पिस्टन भी लग चुका है यहाँ पे, उसके बाद मस्त तरीके से मेरे को ये भी तोड़ देना है, उसके बाद जो भी ऊपर के ब्लॉक्स है सारे के सारे एकदम अच्छे तरीके से तोड़ लेना है।
जैसा कि देख रहे हो भाई, यहाँ भी तोड़ दिया, उसके बाद मेरे को ये वाला भी तोड़ना है। अब यहाँ पे भाई रिपीटर्स लगेंगे ना, तो उसके लिए यहाँ पे जो ऊपर वाले हैं, इस ऊपर तो भाई इसे मैं टेम्परेरी रखा था जिससे कि पिस्टन लगा सकूँ इजिली, तो भाई उसे लिए रखना पड़ा था, कोई बात नहीं। तो भाई जैसे देखो यहाँ पे ये वाला चीज़ तो कर लीजिए मस्त तरीके से। भाई यहाँ पे रिपीटर लगाएंगे, तो रिपीटर सबसे पहले निकाल लेते हैं। यार रिपीटर इधर आ जा, क्या कर रहा तू यहाँ पे रिपीट, भाई का ही नहीं लग रहा यार, यहाँ भी लग चुका है, उसके बाद यहाँ पे रेस्टोन भी लग चुका है। अब भाई मेरे को यहाँ पे ऑटोमेटिक बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत आगे आना पड़ेगा, तो आगे आ चुके हैं। उसके बाद मेरे को ये तोड़ के यहाँ पे कंपरेटर लगाना पड़ेगा, तो ये कंपरेटर लग गया, इसकी लाइट ऑन करते हैं। उसके बाद ये कनेक्ट हुआ, अब मेरे को एक ब्लॉक आगे जाके मस्त तरीके से यहाँ पे रेडस्टोन टॉर्च लगा देनी है और कुछ नहीं करना भाई, सारा काम अपना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो भाई फिलहाल तो यहाँ पर जैसे देख रहे हो भाई, मस्त तरीके से अच्छा काम चलने वाला है, तो यहाँ पर मेरे को जोड़ना पड़ेगा। तो बस जोड़ते हैं सबसे पहले, तो जोड़ने से बच्चे भाई ये वाला तोड़ो यहाँ से, इस साइड करो, क्योंकि भाई यहाँ पे रिपीट होने लगेगा ज़्यादा अच्छे से, तो वो भाई बिल्कुल नहीं चाहता। तो यहाँ पे ये लगा, और भाई ये देखो भाई कितने मस्त तरीके से काम करने लगा यार, सही बता रहे, एकदम मज़ा आ गया, लिटरली बता रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो मस्त तरीके से यहाँ पे काम कर रहा, तो मैं थोड़ा बहुत इसको सोच रहा सुधार करने का, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही, तो रुको सबसे पहले मेरे को ये चीज़ सही करनी पड़ेगी। तो जैसा कि देख रहे हो भाई यहाँ पे कुछ सही नहीं लगा, ये चीज़ मेरे थोड़ा लगा, देखो ये डिस्टेंस बढ़ चुकी है, और ये जो मेरे कंपरेटर था इसको मैं थोड़ा पीछे लगा दिया, जैसे देख रहे हो मस्त तरीके से। तो भाई सबसे पहले ड्रीम भाई का स्टाइल आजमाते हैं, ये आ गए नीचे। तो जैसा कि देख रहे हो भाई, एक साइड तो मेरे कंप्लीट हो चुका है, जहाँ कि आपको ये दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो सारा का सारा स्टोन आ चुका है। अभी आपको मैं तोड़ के भी दिखाऊंगा, सारा जो भी तोड़ेंगे वापस फिर से वो आ जाएगा। तो भाई अपना एक ऑटोमेटिक पूरी तरह बन चुका है, देखो ये देखो ऊपर आ गया, फिर से बराबर हो गया सारा। तो भाई ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो भाई वीडियो भाई लंबी हो चुकी है, भाई मेरे पास का इससे ज़्यादा है नहीं, तो अगली मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई मज़ा आने वाला है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, और भाई अगली वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है।